हेलो दोस्तों, ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जितनी भी ऑल इंडिया की गवर्नमेंट जॉब है, जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी एडमिट कार्ड है, जितनी भी नई भर्तियां आती है, उन सभी भर्तियों के बारे में जानकारी देता रहता हूँ। और जितने भी ओल्ड पेपर होते हैं भर्तियों से संबंधित, वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। लेकिन दोस्तों, ये जो पेपर है जो मैं आपको आज करवा रहा हूँ, जो 16 अक्टूबर 2022 का जो फर्स्ट ग्रेड भर्ती का ये पेपर है, तो मैंने 150 क्वेश्चन बताए हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चन बताए हैं, वो बिना किसी टाइम पास के। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, हेडली कोशिकाओं का निर्माण किन दो वायुदाब की पेटियों के मध्य होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सूत्र रे की है, निम्न वायुदाब पेटी एवं उष्ण उच्च वायुदाब पेटी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें एक बार। मानव विकास सूचकांक 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष 10 देशों में से सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड, 94 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें। निम्नलिखित में से कौन सी वायु अवसादी चट्टान है? तो इसका राइट आंसर है लोयस, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये मैं आपको भूगोल के और जीके के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, टोटल 150 क्वेश्चन है जो कि पेपर में आए थे, मैं सभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, हर देश स्थल सिमलैंड सिद्धांत समझाता है, तो क्या समझाता है? स्थल व समुद्री शक्ति के बीच संघर्ष, 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुआर स्थलाकलिक के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है हिमाचल, उत्तराखंड, हिमालय, 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चित्ररेखा पुंज स्ट्रेट मॉडल के लिए संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा परिपथ जाल विशेषण के लिए दक्ष, 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर विभाग राजस्थान सरकार के अनुसार लिफ्ट नहरों की कुल लंबाई कितनी है जुलाई 2022 के अनुसार? तो कितनी है, 1495.45 किलोमीटर, 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोपेन जलवायु अधिनियम के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले AW प्रकार के जलवायु से सम्मिलित है? तो कौन से जिले, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ और प्रतापगढ़, 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लेन टेबल स्टेशन की स्थिति का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो किस विधि का उपयोग किया जाता है, स्थित निर्धारित विधि, विकिरण विधि, चक्रमण विधि, प्रतिच्छेदन विधि। तो स्थित निर्धारित विधि और चक्रमण विधि, तो ए और सी, ए और सी किस ऑप्शन है, 3 नंबर ऑप्शन है, तो 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र विश्लेषण के विकास से संबंध नहीं है? तो फीमेन एन एम, 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दांतेदार लकीरें सीटेड कटक खालिस्तान द्वारा निर्मित एक स्थल की है, तो किसी स्थल की है, हिमानी की है, तो 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दे। पियाजे के अनुसार केवल गामक क्रियाओं द्वारा अभिव्यक्ति किस अवस्था में देखी जाती है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था में देखी जाती है, 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्र एक रूपता सिद्धांत विचार क्षेत्र श्रृंखला का सही अनुक्रम कौन सा है? कौन सा अनुक्रम, राजनीतिक विचार निर्णय गति क्षेत्र राजनीतिक क्षेत्र, 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय मानसून के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है, भारतीय मानसून एक गरीय पवन है, 1 नंबर ये सही नहीं है, तो 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से विद्वान मानव भूगोल में भूवादी विचारधारा से संबंधित है? तो कौन से, हेम्बोल्ड, एटजेल, ईटर, स्पेल, तो दीवे, इसमें चारों सम्मिलित थे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। सूची ए का दार्शनिक उपागम को सूची सेकंड विद्वान से सम्मिलित कीजिए तथा कुट्टू का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। दोस्तों इसके अंदर मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, आप मिलान कर लेना। इसमें सेकंड नंबर ऑप्शन है CDAB, ये ऑप्शन सही होगा, तो आप मिलान करके देख लेना, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ऐसे मैं मिलान करके बताऊंगा। तो आपको मिश्रित कृषि से संबंधित बिंदुओं का नीचे दिए गए कुटू से सही उत्तर का चयन कीजिए।
अधिकांशतः विश्व के सर्वाधिक विकसित देशों में की जाती है। कृषि भूमि का आकार मध्यम, चारा फसल गेहूँ और ओट्स राई इत्यादि उगाई जाती है। कृषि मशीनरी पर कम पूंजी निवेश, तो इसमें से ऑप्शन दिए गए कि कौन कौन से ऑप्शन सही है, तो इसमें दो नंबर ऑप्शन सही है, ए बी और सी तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसने दो नंबर किया है ए बी और सी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना वर्ष 1926 के मद्रास विश्वविद्यालय में हुई थी, तो किसकी हुई थी, द इंडियन ज्योग्राफिकल सोसाइटी, एक नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ बिना किसी टाइम पास के, तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें। क्षेत्र एकरूपता के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया, तो किसने किया, एस बी जोन्स ने किया, दोनों ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निरूपण भिन्न तथा कथन मापनी का युग्म सही सम्मिलित है, तो कौन सा युग्म सही सम्मिलित है, तो दो नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के उद्योग में कुल कर्मचारियों में से सफेद कॉलर कर्मचारियों का हिस्सा सर्वाधिक होता है, तो फार्मास्यूटिकल उद्योग, एक नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार शुष्क वन के लिए वर्षण प्रभावित सूचकांक क्या है, तो चार नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से युग सही है, तो कौन से युग सही है, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, तो बी और सी ऑप्शन सही है, इसके अंदर बी और सी ऑप्शन सही है, तो बी और सी एक नंबर ऑप्शन के अंदर है, तो एक नंबर ऑप्शन जिसने सही किया है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नागपाड़ कहाँ अवस्थित है, तो कहाँ पर है, अजमेर के अंदर है ये नागपाड़। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें क्योंकि बिना टाइम पास के आपको पेपर बताया जा रहा है। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ 1974 में लागू हुआ था। सूची ए का सूची बी से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए कट्टू का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों इसके अंदर मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, आप मिलान करके देख लेना, दोनों ऑप्शन जिसने सही किया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप मिलान करके देख लेना। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो एडविन केनन के द्वारा दिया गया था, एक नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित मानचित्र में से कौन सा भूमध्य रेखा का प्रदर्शन नहीं करता, कौन दिए ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप, तीन नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जेम्स हेटन ने एक रूपतावाद संकल्प वर्ष खालिस्तान में प्रस्तुत की, तो किस वर्ष में प्रस्तुत की, 1785 में किया था, तीन नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। समीपस्थ विकास क्षेत्र ZPG की अवधारणा किसके द्वारा दी गई, तो किसके द्वारा दी गई, बंडूरा द्वार देगी, दोनों में उसको सही हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की अनेक शाखाओं से में से एक है जो मुख्य रूप से संबंधित है, तो किससे संबंधित है, शिक्षा की समस्या प्रक्रिया उत्पाद से, तो तीन नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, नायक पूजा किस अवस्था की विशेषता है, तो किशोरावस्था की विशेषता है, दो नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनवायरमेंट रेस एंड माइग्रेशन पुस्तक के लेखक कौन थे, तो कौन थे इसके लेखक, कीपी टेलर, एक नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें। निम्नलिखित में से किसका सही सम्मिलित नहीं है, तो तीन नंबर ऑप्शन सही सम्मिलित नहीं है, धौलाधार श्रेणी शिपकी लादरा, तीन नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल भित्ति का एक प्रकार नहीं है, तो कौन सा नहीं है, कटक प्रवाल भित्ति, दो नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। डूरक रेखा भारत के को किसके द्वारा जोड़ती है, तो अफगानिस्तान के द्वारा जोड़ती है, चार नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेडन ने अपनी पुस्तक कलता में केशो मुख के द्वारा आधार मानकर प्रजाति वर्गीकरण किया, तो किसके द्वारा किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा रेसेज ऑफ मेन के द्वारा, दो नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेनिस जिले एडियाटिक
की रानी के नाम से जाना जाता है अवस्थित है, तो कहाँ पर? उत्तर पूर्व इटली में अवस्थित है। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस समूह ने संभववाद वकालत की? तो किसने की थी? लूसियन फेब जीन बूस सावर ने की नहीं। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूगोल वह विज्ञान है जो वांछित निम्न कला में कार्य करता है, यह कथन था। तो किसका था? टोलमी का था। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन, प्रकृति की खाने की मेज समिति आदमियों के लिए अठह बिना निमंत्रण के आने वालों को अवश्य भूखा मरना पड़ता है, यह कथन खालिस्तान किसके द्वारा दिया गया था? तो किसके द्वारा दिया गया था? माल्थस के द्वारा दिया गया था। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सम्मित एवं असम्मित खालिस्तान के प्रकार है, तो वलन के प्रकार है। दोस्तों वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दे बीच में। निम्नलिखित में से चावल की 3 फसलें अमन ओस बोरा उगाने वाला राज्य समूह है, तो कौन सा राज्य समूह है? पश्चिम बंगाल और असम। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जनसंख्या सिद्धांत पर एक निबंध नामक लेख का प्रकाशन 1803 में खालिस्तान द्वारा किया गया, तो थॉमस रॉबर्ट माल्थस द्वारा दिया गया था। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम किसने यह समर्थन किया था कि इतिहास संस्कृति जीवन प्रसिद्धि तथा व्यवस्था जलवायु द्वारा निर्धारित होती है? तो ई हेंटिगेटन ने दिया था। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध बिकनी एडोज खालिस्तान का भाग है, तो मार्शल द्वीप समूह का भाग है। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। गेट बेरियल रीफ कहाँ स्थित है? अब तक टीए ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, तो 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दे। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग सुमिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? लोहा कोलिहान और मानधन। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित गोंड प्लेटों का उत्तर से दक्षिण सही अवस्थिति क्रम क्या है? तो आपको मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, आप मिलान कर लेना। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप मिलान करके देख लेना। 52 नंबर क्वेश्चन, सकारात्मक पुनर्बलन वांछनीय व्यवस्था बढ़ाता है, ये 1 नंबर ऑप्शन ही सही होगा। तो जिसने 1 नंबर ऑप्शन किया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक उदाहरण है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। 3 नंबर ऑप्शन सही आंसर है इसका। संचार प्रक्रिया के दौरान संदेश को एक प्रति रूप में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? एनकोडिंग कहलाता है। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दे, क्योंकि बिना टाइम पास के आपको वीडियो पेपर सोल्व करवाया जा रहा है, तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दे। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारी गोंदों की दिशा क्या कहलाती है? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कम समुद्र जल में पाए गए लवणों के घटते क्रम में प्रतिशत को सही ढंग से दर्शाए? तो इसमें ऑप्शन दिए प्रतिशत को सही ढंग में दर्शाना, तो इसका राइट आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग में सवारी के न्यूनतम लिंगांतर वाले जिलों का समूह कौन सा है? तो बांसवाड़ा और झुंझुने। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन, चलवासी पशुचारण की प्रमुख विशेषता क्या क्या है? जी चारों विशेषता है, इनमें से आपको छाटनी की प्रमुख विशेषता कौन सी है? चलवासी तथा पशुओं के गमनागमन का मौसमी प्रारूप और ट्रांस हार्मोन स्थाई चारागाह में पशुपालन पशुओं की विक्रिय करने की पाला जाता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 58 नंबर के अंदर राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, प्रमुख विशेषता है। तो ये जिसने 3 नंबर किया ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन, सुंदर होस्फेट क्षेत्र लोह एस खनिज के लिए
प्रसिद्ध है। ये कर्नाटक के किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो बेल्लारी क्षेत्र में अवस्थित है। तीन नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैलेस्टीन युग के दौरान उत्तर अमेरिका में आए चार हिमयुगों का सही क्रम क्या है? तो क्या है इसका? सात नंबर में ऑप्शन इसका, दो नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित नदी समूह में से किस समूह का उद्गम स्थल राजस्थान में नहीं है? तो कौन सा नहीं है? गंभीरी, पार्वती, कालीसिंध और परवन। तीन नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पार कैनेडियन रेलमार्ग के पूर्वी भाग में पश्चिम भाग की तरफ यात्रा करने पर नगरों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो कौन सा अनुक्रम सही है इसके अंदर? ऑप्शन नंबर इसके अंदर चार सही हो जाएगा। पी सेनगुप्ता तथा जी सदाशिव के 1968 के बाद के आर्थिक प्रादेशीकरण के अनुसार कश्मीर घाटी तथा हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र किसके भाग है? तो किसके भाग है ये? जिसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी ब्रेत प्रदेश के भाग है। तो एक नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन, सूची ए का सिंचाई पेयजल परियोजना को सूची बी नदी से संबंधित कीजिए तथा कुट्टू का प्रयोग कर सही उत्तर चयन कीजिए। तो दोस्तों इसके अंदर मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, आप मिलान कर लेना। तीन नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन, पी सेनगुप्ता तथा जी सदाशिव ने भारत के ए खालिस्तान वे तथा बी खालिस्तान माध्यमिक आर्थिक प्रदेशों में विभाजित किया। तो किसने किया था विभाजित? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीन नंबर 7 और 42 के अंदर किया था। तीन नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन, सूची ए का प्राकृतिक आपदा को सूची सेकंड क्षेत्र के साथ सम्मिलित कीजिए तथा कुट्टू का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों मैं इसके अंदर आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, सम्मिलित करके आप देख लेना। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए को ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, आप सम्मिलित करके देख लेना। 68 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खराब मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण है? तो कौन सा है खराब मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण? आस्कित। 94 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन, सूची ए का राजनीति भूगोलता को सूची सेकंड देश में सम्मिलित कीजिए तथा कुटुंब का उपयोग कर उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीन नंबर ऑप्शन, तो आप मिलान करके देख लेना। 70 नंबर क्वेश्चन, सम्मान निरूपण विभिन्न पर निम्नलिखित में से किस मापनी पर दूरी को अधिक बारीकी से दर्शाया जा सकता है? तो किस वारी विकर्ण वापनी के द्वारा दर्शाया जा सकता है? 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन, विश्व रेखा के ऊपर 100 सीमा में हवा का तापमान लगभग -80 डिग्री से ध्रुवीय की ऊपर की ओर लगभग खालिस्तान होता है, तो 45 डिग्री होता है। एक नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दे। दीनाकारी प्रजाति किससे संबंधित है? तो कोक्सोइड प्रजाति से संबंधित है। 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन, वॉन थ्रायुनेन ने कृषि स्थानांतरीकरण सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? तो कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? तो ऑप्शन नंबर 3 A और C दोनों इसमें सम्मिलित है। ए और बी सम्मिलित है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर ले और वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बरमान नदी, टोंक और भीलवाड़ा। 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से दे अनस्टेबल अर्थ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो J.A. Chatiers। 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश सामल स्थानीय भवन से संबंधित है? तो सामल स्थानीय भवन से संबंधित कौन सा देश है? इराक है। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक आदर्श पहाड़ी ढाल पर ढाल के तत्वों का ऊपर से नीचे की ओर सही क्रम में क्या होगा? तो क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अवतलता मुक्त
सरलता सरल एकांत मात, इसका राइट आंसर तो ये हो जाएगा दोनों ऑप्शन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में काली रेगुन मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन है, रेगुन मृदा में नमी धारण करने की क्षमता कम होती है? तो 94 ऑप्शन सही नहीं है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र वाणिज्य डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्रों में से सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं, इंडोनेशिया और मलेशिया नहीं है। तो 3वां ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 80वां क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार है। निम्नलिखित में से किन देशों का समूह 2021 में बॉक्साइट उत्पाद में शीर्ष पर रहा? तो किन राज्यों का रहा, ऑस्ट्रेलियन, गिन, चीन और ब्राजील का रहा। 3वां ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। 82वां क्वेश्चन, वेबर के अनुसार पदार्थ सूचकांक 1 होने पर अधिगम लाभ के लिए उद्योग की स्थापना कहाँ होनी चाहिए? तो बाजार में होनी चाहिए। 2वां ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा CSI का एक लक्षण है? तो कौन सा लक्षण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगमकर्ता नियंत्रित अनुदेशन। 1वां ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है, इसका राइट आंसर 3वां ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 85वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित नहीं करने वाले में मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, आप देख लेना, वीडियो लंबा हो जाएगा इस प्रकार से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 85 में बरवाड़, बरवर, अजमेर में, दोनों में इसका राइट आंसर हो जाएगा। 86वां क्वेश्चन, सूची ए का प्रादेशिक समूह है को सूची सेकंड सदस्य राष्ट्र के साथ सम्मिलित किए तथा नीचे दिए गए कटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसके अंदर मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा नहीं हो और आप मिलान कर लेना। तो इसका 2 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप मिलान कर लेना। 87वां क्वेश्चन, सूची ए का सूची दो सम्मिलित के नीचे दिए गए कटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका भी मैं आपको राइट आंसर बता रहा हूँ, आप सम्मिलित करके देख लेना। 4 ऑप्शन को आप सम्मिलित करके देख लेना, ये इसका राइट आंसर होगा। 88वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष विश्व जनसंख्या संघ 2022 के अनुसार विश्व की जनसंख्या पूरा होने का अनुमान है, तो कितना अनुमान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2022 में। 3वां ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 99वां क्वेश्चन, सूची ए का मादा प्रकार तथा सूची सेकंड का प्राप्ति स्थल को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे के कटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ये सम्मिलित करने वाले क्वेश्चन का मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, आप सम्मिलित करके देख लेना। 3वां ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, तो आप सम्मिलित करके देख लेना 3वां ऑप्शन। इसके बाद में 99वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था में सामाजिक विकास की विशेषता नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है किशोरावस्था में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 करोड़ वर्ष, सॉरी दोस्तों, सामाजिक क्रियाकलाप में कमी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 91वां क्वेश्चन, जैसलमेर स्थित आकल कास्ट जीवाश्मों की आयु लगभग कितनी मानी गई है? तो कितनी मानी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 करोड़ वर्ष मानी गई है। 92वां क्वेश्चन, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार अंतिम आंकड़ों में राजस्थान की साक्षरता से संबंधित तथ्यों का अध्ययन कीजिए तथा सही उत्तर का कटु से चयन कीजिए। तो की चयन करना इसके अंदर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, दोनों ऑप्शन इसके सही है। राज्य की साक्षरता दर में गत 10 वर्षों में 5% की वृद्धि हुई है, पुरुषों से यह वृद्धि 8.25 तथा महिलाओं में 3.25% है। तो ए और बी ऑप्शन दोनों ऑप्शन सही है। सॉरी दोस्तों, ए और डी होगा इसके अंदर। राज्य की कुल साक्षरता 66% से आंकी गई है, तो ए और डी ऑप्शन होगा। तो ए और डी किस कट्टू के अंदर है, तो 1 के अंदर है, तो 1 ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 92वें के अंदर 1 ऑप्शन। 93वां क्वेश्चन, दोस्तों वीडियो का एक बार लाइक जरूर कर, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र कौन सा है, अधिगम प्रक्रिया का क्षेत्र है? तो 1 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
थानवेड़ के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये प्रश्न गलत है वैसे तो, इसके अंदर केवल उष्णकटिबंधीय, उष्ण शुष्क जलवायु सभी मौसम में कम, तो चार ऑप्शन होगा इसके अंदर। वैसे तो ये प्रश्न थोड़ा बहुत चेंज है, गलत है, इसका आपको बोनस मिल सकता है, 94वें क्वेश्चन का बोनस मिल सकता है आपको। 95वें क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रक्रिया भाग का उदाहरण है, तो कौन सा सूचना प्रक्रिया भाग का उदाहरण है? संपर्ति उपलब्धि प्रतिमान, दो नंबर ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। पैकेज प्रमाण का पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया, तो कौन सा शुरू किया गया? 7 जिले 7 राज्य, दो नंबर ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से उपवन नगर आंदोलन शुरुआत का श्रेय दिया जाता है, तो किसे दिया जाता है? तो 97वां क्वेश्चन हार्वर्ड ई को दिया जाता है, एक नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 98वां क्वेश्चन दोस्तों, वीडियो का एक बार लाइक शुरू कर दे, क्योंकि बिना किसी टाइम पास का वो पेपर सोल्व करवाया जा रहा है। 91वां क्वेश्चन टिस्को की स्थापना किस वर्ष में की गई, तो टिस्को की स्थापना किस वर्ष में की गई? 1907 में की गई, तो दो नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथन वाला क्वेश्चन का मैं आपको राइट आंसर बता रहा हूँ, डायरेक्ट आप देख लेना कौन सा कथन सही है, ये बताना है। शामिल जिलों का समूच का चयन करना है इसके अंदर, तो मैं आपको इसका राइट आंसर बता रहा हूँ डायरेक्ट, दो नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अलवर भरतपुर करौली सवाईमाधोपुर। 100वां क्वेश्चन, वर्ष 2011 में राजस्थान में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या थी, तो कितनी थी सन 2011 के अनुसार राजस्थान के अंदर कितनी? 1 लाख से अधिक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 नगरों की थी 1 लाख से अधिक। निम्नलिखित में से गलत जोड़े स्थानांतरित कृषि का नाम एवं संबंधित देश की पहचान कीजिए, तो पहचान करना है, तो इसके अंदर इसका राइट आंसर हो जाएगा दो नंबर ऑप्शन तिमराई वेजुगल्ला, तो दो नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार केरल में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई, तो केरल के अंदर कितनी जनसंख्या दर वृद्धि की गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4.91% वृद्धि दर। 93वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कटु का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए, ये सम्मिलित करने वाले क्वेश्चन है, इसका मैं आपको आंसर बता रहा हूँ डायरेक्ट, ए और सी ऑप्शन इसका सही होगा, ए और सी, तो किसके अंदर है ए और सी? 94 के अंदर 94वां ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भारत में कृषि वानिकी के लिए शीर्ष निकाय है, भारत में कृषि वानिकी के लिए शीर्ष निकाय कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि मंत्रालय है, 3वां ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आज तक आपने की न्यून में से कौन सी विधि दबाव तथा तापमान के बदलाव में प्रभावित नहीं होती है, तो कौन सी विधि नहीं होती है? तो 3वां ऑप्शन विशिष्ट आर्द्रता, तो 3वां ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य का कौन सा जिला फ्रेश पार्ट उत्पादन में अग्रणी है, तो कौन सा जिला है पास उद्यान में अग्रणी? तो अजमेर है। निम्नलिखित में से किससे मानक विचलन की गणना की जाती है, तो किससे की जाती है मानक विचलन की गणना? केवल समांतर माध्य से, तो 1वां ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 108वां क्वेश्चन दोस्तों, वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दे। नी युगों में से कौन से सम्मिलित है, तो कौन सा सम्मिलित है इसके अंदर भी मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, आप सम्मिलित करके देख लेना। ऑप्शन नंबर 2, B तथा C सम्मिलित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ने तो परम का कोई चिन्ह, ने अंत होने की कोई आशा, निम्नलिखित में यह संकल्पना किसने दी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसने दी थी संकल्पना? जेम्स हैटन ने दी थी, दो नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 110वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा थर्नहाइड 2000 प्रतिपादन अधिगम का गुण नियम है, तो कौन सा है गुण नियम? बहुरूपी अनुक्रिया का नियम है, एक नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 111वां क्वेश्चन, कथन बताना है, उपयोग कथनों के आधार पर मृदा का प्रकार होता है, तो मृदा का प्रकार बताना है,
तो कौन कौन सी मृदा का प्रकार है, तो 111 नंबर में चार नंबर ऑप्शन वर्टिसोलर्स, चार नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यासर प्रतिक्षेप सिद्धांत के अनुसार विवर्तनिक भूकंपों का निम्नलिखित में से गतिविधि से निकटवर्ती संबंध है, तो किसका संबंध है, तो ये संबंध बताना है, तो उसके केवल ए आंसर होगा इसका, तो वर्षण से है संबंध, तो केवल ए ये इसका राइट आंसर हो, तो केवल ए इसके अंदर है, तो एक में आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा गर्म प्रकृति की है, तो कौन सी महासागरीय धारा गर्म प्रकृति की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अगुलहास धारा, दो नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहली बार समताप रेखा के साथ विश्व मानचित्र तैयार करने का श्रेय किसे दिया गया, विश्व मानचित्र रेखा का श्रेय किसे दिया गया, तो ऑप्शन में हेम्बोल्ट को दिया गया, दो नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोलेबर्ग के सिद्धांत में किस स्तर पर नैतिक विकास मानकों पर आधारित नहीं है, होकर आंतरिकरण पर आधारित है, तो आंतरिकरण पर कौन सा आधारित है, तो इसका राइट आंसर होएगा पश्च रूडिगर स्तर, तीन नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिका के लिए लोहा इस्पात केंद्र के यूएस के एक जंग का कोटरो के नाम से जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है कोटरो के नाम से, पिट्सबर्ग को जाना जाता है, दो नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्योग्राफिकल एंड यूनिक सेंचुरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर है, दो नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोपेन के जलवायु विवरण में डब्ल्यू शब्द प्रदर्शित करता है, तो डब्ल्यू शब्द क्या प्रदर्शित करता है कोपेन के जलवायु विवरण के अंदर, शीत शुष्क शीत ऋतु प्रदर्शित करता है डब्ल्यू शब्द, तो एक नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन, दोस्तों वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें। सृजनात्मक बुद्धिमत्ता के मध्य महत्व के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, सही कथन का चयन कीजिए, तो इसमें सही कथन कौन कौन से सही कथन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च सृजनात्मक बुद्धिमत्ता वाला व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ भी करता है, तो दो नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 120 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली की विशेषता नहीं है, तो कौन सी प्रणाली की विशेषता नहीं है, स्थिर प्रकृति ये प्रणाली विशेषता नहीं है, चार नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में बीमा का संबंध किस सेवा क्षेत्र से है, तो किस सेवा क्षेत्र से बीमा का संबंध है, तो तृतीय क्षेत्र सेवा से है, तो तीन में इसका राइट आंसर हो जाएगा। सन 2000 की जनगणना जनसंख्या नीति में किस वर्ष तक भारत की जनसंख्या में स्थायित्व लाने का लक्ष्य रखा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2045 के अंदर रखा गया, दो नंबर ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। ये विशेष कैटिले में अवसाद नियमित छोटे जमाओं को कहते हैं, जो छोटे जमाओं को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमक, तीन नंबर ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। पहाड़ी डाल चक्र सिद्धांत खालिस्तान दिया गया है, तो पहाड़ी ढाल चक्र सिद्धांत खालिस्तान दिया गया है, तो ये इसका राइट एल सी किंग, चार में इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषण अध्ययन है, निम्नलिखित में से मानव भूगोल की ये विशेषता किसने दी, तो ये विशेषता किसने दी उसका नाम बताना है, तो ये विशेषता दी थी फ्रेडरिक हेटजेल ने दी थी, तीन नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। खालिस्तान में स्थित मृत्यु घाटी गोबन का उदाहरण है, तो गोबन का मृत्यु घाटी गोबन का उदाहरण क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी कैलिफोर्निया, तीन नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुबलता मंडल पृथ्वी की किस आंतरिक परत का एक हिस्सा है, तो किस आंतरिक परत का एक हिस्सा है, तो मेंटल का हिस्सा है, तो दो नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊंचा स्तंभ कम घनत्व नीचा स्तंभ अधिक घनत्व निम्नलिखित में से संकल्पना किसने दी थी, तो किसने दी थी ये संकल्पना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फांड, तीन नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण अधिगम ग्रामीण के इस
संस्थानवे संबंधित समूह का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लॉग, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक। तो एक नंबर उसका राइट आंसर हो जाएगा। 130 नंबर क्वेश्चन, कोटन झील से होकर गुजरने वाली नहर की पहचान कीजिए। तो गोटन झील से होकर गुजरने वाली झील की पहचान कीजिए। तो पन्नामा नहर है जो कि गोटन झील से निकलती है। तो 94 क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस भूगोल में मानवीय उपागम को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है। तो किसे श्रेय प्राप्त है मानवीय उपागम का, यू फ्लू तुआन को है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में तापमान के उद्दोषण परिवर्तन का क्या कारण है। तो वायुमंडल में परिवर्तन का क्या कारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु का प्रसार तथा संपीड़न। तीन में ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक मानचित्र पर 4 वर्ग सेमी 16 वर्ग को दर्शाता है। तो मानचित्र का आरप क्या होगा, मानचित्र का आरप क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो नंबर ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण प्रतिमान का कौन सा तत्व शिक्षण एवं विद्यार्थियों विद्यार्थी के अंतर क्रिया से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक प्रणाली। दोनों में इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवाल भित्तियों से संबंधित हिमनद नियंत्रण सिद्धांत किसने दिया। तो प्रवाल भित्तियों से संबंधित हिमनद सिद्धांत किसने दिया, दिल्ली ने दिया था। एक नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पवन स्थलगति को होम से कोर्सकोबेंड का नाम दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 136 नंबर का राइट आंसर यार्डंग ने दिया था। 137 नंबर क्वेश्चन, यदि कुछ आंकड़ों का माध्यम तथा भूलक में से 4 से 10 है तो इसकी माध्यमिका क्या होगी। तो इसकी माध्यमिका क्या होगी, तो इसका राइट आंसर होगा 137 नंबर का 6 होगी। तो 6 किसके अंदर है, तीन नंबर ऑप्शन के अंदर। निम्न युगों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। तो सही सम्मिलित नहीं है, कौन सा युग सही सम्मिलित नहीं है नीचे दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोंकण तट, BSHW। अल्फ्रेड वेबर के अनुसार पदार्थ सूचकांक का सूत्र क्या होगा। अल्फ्रेड वेबर के अनुसार सूचकांक का सूत्र क्या होगा, तो पदार्थ सूचकांक कच्चे माल का भार उत्पादन माल का भार। दो नंबर ऑप्शन ये हो जाएगा। 140 नंबर क्वेश्चन, सूची एक का समय अवधि को सूची दो उपागम से सम्मिलित कीजिए एवं नीचे के कुटुंब के सहायता से सूत्र की पहचान कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन, आप मिलान करके देख लेना। निम्नलिखित में से बेमेल युग्म नदी की सहायता नदी को पहचानी है। तो बेमेल नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो उसको पहचानना है। तो दो नंबर ऑप्शन पार्वती मोरेन, ये सहायक नदी है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर राजस्थान के किस जिले में स्थानांतरित किया गया। तो किस जिले में स्थानांतरित किया गया, तो इसका राइट आंसर जो है बीकानेर के अंदर किया गया। एक नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अल्फ्रेड वेबर के अनुसार श्रम लागत सूचकांक का सूत्र क्या है। तो श्रम लागत सूचकांक का सूत्र क्या है वेबर के अनुसार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रम लागत सूचकांक श्रम लागत उत्पादित वस्तु का कुल भार। दोनों नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 44 नंबर क्वेश्चन, वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दे दोस्तों, बिना किसी टाइम पास के आपको पेपर सोल्व करवाया जा रहा है, तो एक बार लाइक जरूर कर दे। निम्नलिखित में से कौन सी सहकारी अधिगम का लाभ है। तो कौन सी सहकारी अधिगम का लाभ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम सामाजिक प्रोत्साहन। दोनों नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भू तुल्यकालिक उपग्रह है। तो भू तुल्यकालिक उपग्रह कौन सा है, इनसेट। दो नंबर ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन, चंद्रमा के निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाओं में लघु ज्वार आएगा। तो कौन सा आएगा चंद्रमा के अंदर, तो सी और डी, प्रथम चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश। तो सी और डी किसके अंदर है, तीसरे के अंदर है, तो तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन, 147 नंबर, डंग गंगधार उच्च भूमि क्षेत्र राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में अवस्थित है।
किस भौतिक प्रदेश में अवस्थित है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी हाड़ौती क्षेत्र के अंदर अवस्थित है। तीन नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गलत युग्म है, तो गलत युग्म में छाटना है अपन को, तो कौन सा गलत युग्म है इसके अंदर, तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर है दो, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 149 नंबर, मेंटल मेल पुस्तक के लेखक कौन है, तो मेंटल मेल पुस्तक के लेखक कौन है, तो पीटर ग्राउडल तथा रोडनी वायल, तो तीनवा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दे। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध दिशा प्रक्षेप नहीं है, तो शुद्ध दिशा प्रक्षेप कौन सा नहीं है, तो बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप, एक नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल नए है तो सब्सक्राइब कर ले। मैं जितने भी ऑल इंडिया की गवर्नमेंट के, राजस्थान के खासकर जो भी पेपर होते हैं, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर सोल्व करवाता हूँ, चाहे वो किसी भी भर्ती से संबंधित हो, जितनी भी ऑल इंडिया की गवर्नमेंट से जॉब है उनके बारे में भी अपडेट देता रहता हूँ। तो वीडियो को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। थैंक यू दोस्तों।